हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल सिविलियन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और साइट के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू कैलकुलेट लोड ऑन कॉलम, कॉलम पे हम लोड कैसे कैलकुलेट करेंगे और कौन कौन सा लोड कॉलम पे आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि कॉलम पे लोड कौन कौन सा पड़ेगा। तो एक लोड हमारा जो कॉलम पे पड़ेगा वो पड़ेगा वॉल का, अगर वॉल है तो। फिर दूसरा लोड पड़ेगा स्लैब का, उसके बाद बीम का, फिर कॉलम का सेल्फ लोड। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स कॉलम पे लोड निकालने का है फॉर्मूला है, सबसे पहले तो कॉलम का सेल्फ वेट का, कॉलम का है जो है सेल्फ वेट इंटू नंबर ऑफ फ्लोर, जितने फ्लोर्स रहेंगे उसके अकॉर्डिंग हम कॉलम का वेट निकालेंगे, कॉलम पे लोड निकालेंगे। उसके बाद क्या है बीम का, बीम का क्या है सेल्फ वेट पर रनिंग मीटर, यानी पर मीटर के हिसाब से हम बीम का लोड निकालेंगे। उसके बाद हम वॉल लोड निकालेंगे, वो भी निकालेंगे पर रनिंग मीटर। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हम जो निकालेंगे वो निकालेंगे टोटल लोड ऑन स्लैब, स्लैब पे टोटल लोड कितना पड़ रहा है, इसमें आ जाएगा डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड और सेल्फ वेट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कॉलम लोड कैलकुलेशन करेंगे, जिसमें हम एज्यूम करेंगे कि जो हमारा कॉलम का साइज है वो 300 × 500 mm का है, और हम एज्यूम करेंगे कि जो हमारा कॉलम का हाइट है वो है 3 मीटर। ओके फ्रेंड्स, अब हम सबसे पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट कैसा निकलेगा, ये निकलेगा कॉलम का लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ये निकल गया वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट जो कि है 0.45 m³। अब हम इससे वेट ऑफ कंक्रीट निकाल लेंगे। वेट ऑफ कंक्रीट निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा वॉल्यूम आएगा उसमें हम कंक्रीट की डेंसिटी को इंटू कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 1080 kg। फ्रेंड्स, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे वेट ऑफ स्टील निकालेंगे। वेट ऑफ स्टील हम इसमें लेंगे 1%, तो वेट ऑफ स्टील इन 1% इन कंक्रीट इज इक्वल टू 0.45, जो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट था, इंटू 1%। वेट ऑफ स्टील हम 1% लेंगे, तो इसका 1% इंटू 7850, ये हो गया स्टील की डेंसिटी, तो ये आपका आ जाएगा 3532.5 kg। फ्रेंड्स, आप इसको 1/100 भी कर सकते हैं क्योंकि ये परसेंटेज में दिया हुआ है, तो ये आपका डायरेक्ट आ जाएगा 35.32 kg। मैं यहाँ पे 100 से डिवाइड किया हूँ, आप यहीं पे कर लेंगे 1/100, तो ये आ जाएगा 35.32 kg। अब फ्रेंड, हम टोटल वेट ऑफ कॉलम निकालेंगे। टोटल वेट ऑफ कॉलम कैसे होगा, ये होगा जो हमारा वेट ऑफ कंक्रीट, ये जो हमारा वेट ऑफ कंक्रीट आया है ए प्लस जो हमारा वेट ऑफ स्टील आया है, तो ये दोनों का जब हम प्लस करेंगे तो आ जाएगा 1115.32 kg। फ्रेंड्स, अब इसे हम किलोमीटर किलो न्यूटन में चेंज कर लेंगे। किलो न्यूटन में चेंज करने के लिए क्या करना होता है फ्रेंड्स, किलो न्यूटन में चेंज करने के लिए आपका जो टोटल वेट आया है केजी में उतना इंटू 0.00980665 इससे इंटू कर देंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो किलो न्यूटन में आ जाएगा 10.93 kN। तो हम एज्यूम करेंगे कि जो हम कॉलम का सेल्फ वेट है वो 10 to 12 kN पर फ्लोर है, मतलब एक फ्लोर पे कॉलम का जो वेट है वो 10 to 12 kN है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद हम बीम का लोड कैलकुलेशन निकालेंगे। तो हम बीम का जो लेंथ लेंगे वो 1 मीटर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, और जो बीम का साइज होगा वो हम एज्यूम करते हैं 300 mm × 500 mm, एक्सक्लूडिंग स्लैब, जो स्लैब में पार्ट जाएगा बीम का उसे हम छोड़ देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट निकालेंगे कि बीम में कितना कंक्रीट लगेगा। तो हमारा बीम का साइज क्या है 300 mm × 500 mm, तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 0.30 मीटर
इंटू 0.50 मीटर इंटू 1 मीटर लेंथ, तो ये जो हमारा वॉल्यूम आ जाएगा वो आ जाएगा 0.15 मीटर क्यूब। अब हम वेट ऑफ कंक्रीट निकाल लेंगे। वेट ऑफ कंक्रीट निकालने के लिए क्या करना होगा, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इंटू डेंसिटी ऑफ कंक्रीट। तो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट तो हमारा निकल गया है 0.15 मीटर क्यूब, जो हमने अभी कैलकुलेट किया था, इंटू डेंसिटी ऑफ कंक्रीट 2400, तो ये हो जाएगा 360 kg। फ्रेंड्स, बीम में लोड कैलकुलेट करते समय हम जो वेट ऑफ स्टील लेते हैं वो लेते हैं 2%, तो ये हो जाएगा 0.15, जो कि वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट है, इंटू 2%, यानी 2/100 इंटू डेंसिटी ऑफ कंक्रीट, तो ये आ जाएगा 23.55 kg। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे टोटल बीम ऑन लोड, तो ये हो जाएगा 360 kg जो वेट ऑफ कंक्रीट है, प्लस 23.55 kg वेट ऑफ स्टील इन कंक्रीट। ओके फ्रेंड, तो इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 383.55 kg और 3.75 kN। फ्रेंड्स, उसके बाद हम निकालेंगे लोड कैलकुलेशन ऑन स्लैब। तो हम एज्यूम करते हैं कि जो हमारा स्लैब है वो 300 mm का है, उसकी थिकनेस 300 mm है। हम जानते हैं कि जो स्लैब कंक्रीट की डेंसिटी होती है वो होती है 2400 kg/m³ और 240 kN। तो इससे हम स्लैब का सेल्फ वेट निकाल लेंगे। सेल्फ वेट कैसे निकलेगा, स्लैब की थिकनेस इंटू 1 मीटर के लिए हम निकाल रहे हैं, तो 1 मीटर इंटू डेंसिटी ऑफ कंक्रीट 2400 हो गया। इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 720 kg और 7.06 kN। फ्रेंड्स, उसके बाद हम कंसिडर करेंगे कि जो फ्लोर फिनिशिंग लोड है वो हैगा 1 kN/m, लाइव लोड होगा 2 kN/m और विंड लोड होगा 2 kN/m। तो टोटल लोड ऑन स्लैब कितना हो गया, विंड लोड प्लस लाइव लोड प्लस फ्लोर फिनिशिंग लोड प्लस सेल्फ वेट ऑफ स्लैब, तो ये आ जाएगा 12.06 kN टू 13 kN, ये हो जाएगा टोटल लोड ऑन स्लैब। तो जो हमारा टोटल लोड ऑन स्लैब होगा वो होगा 12 kN टू 13 kN। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हम वॉल लोड कैलकुलेशन करेंगे। तो हम जानते हैं कि जो ब्रिक की डेंसिटी होती है वो 1500 टू 2000 kg/m³ होती है। हम एज्यूम करते हैं कि जो हमारा वॉल है वो 9 इंच का है, उसकी हाइट 3 मीटर है और लेंथ 1 मीटर है। तो लोड पर रनिंग मीटर ऑफ ब्रिक मेसनरी वर्क कितना होगा, ये हो जाएगा 0.230 इंटू 1 इंटू 3 मीटर हाइट इंटू 2000 डेंसिटी, तो ये आ जाएगा 1380 kg/m। अब इसे हम किलो न्यूटन में चेंज कर लेंगे तो ये आ जाएगा 13.53 kN/m। फ्रेंड्स, उसके बाद हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालेंगे। फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू IS 456:2000 फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 1.5। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स टोटल लोड ऑन कॉलम क्या हो जाएगा, टोटल लोड ऑन कॉलम इज इक्वल टू कॉलम सेल्फ वेट प्लस बीम लोड प्लस स्लैब लोड प्लस वॉल लोड प्लस फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस तरह से हम किसी भी कॉलम पे कितना लोड पड़ेगा वो निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।